सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में क्या होने वाला है यार, आज है 18 नवंबर एंड कल है 19 नवंबर। कल है मतलब यार सिख रिलीजन के गुरु नानक देव जी का बर्थडे, एंड उस दिन क्या होता है यार एंड का कीर्तन निकलता है, मतलब ऑलमोस्ट यार सबने देखा ही होगा, एक्सप्लेन क्या करूँ मैं। तो हमारा भी स्टॉल लगा है यहीं पर, गली के पास स्टॉल लगा है, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी टेंट वेंट लग चुका है और अभी हमने जाना है सामान वाला लेने जो हम कल बताएंगे वहाँ पे। तो अभी हमने जाना है जनकपुरी, वहाँ पे होलसेल मार्केट है इन चीज़ों की, मतलब क्या सामान है जैसे फ्रूटी आती है ना 10 वाली फ्रूटी वो हो गई, एंड पानी के गिलास वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है हम वही बताएंगे। तो देखते क्या क्या होता है, वीडियो एकदम लास्ट तक देखना। सो गाइस देखो ये रहा अपना टेंट, गली के बाहर आके कोने पे लगा हुआ है। अभी हम जनकपुरी आए हैं फ्रूटी और पानी की पेटियां वगैरह लेने, तो देखते अब क्या होता है। वाह, सो गाइस हमने यहाँ पे देखो दो दो रिक्शे रोक लिए, हम यहाँ से सामान निकल के लोड होएगा उसको फिर घर लेके जाएंगे। गाइस हमने यहाँ पे रिक्शे पे पेटियाँ रख ली हैं, अब हम जा रहे हैं घर। ये देखो हमें तो डर लग रहा है रिक्शा ना पलट जाए पेट की वजह से। फाइनली हम घर आ चुके हैं और यहाँ पे देखो दोनों रिक्शे हैं, अब सारा ये सामान अंदर लोड करवाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान पड़ा हमने सारा अंदर। ये देखो मैं परेशान कर रहे हैं, व्लॉग नहीं शूट करने दे रहे। चल झूठा। The next day। गाइज वेलकम बैक अगेन, अभी टाइम हो रहा है यार 12 बज चुके हैं, हम नेक्स्ट डे आपको आप सभी को हैप्पी गुरुपूरब, एंड अभी बस थोड़ी देर में नगर कीर्तन निकलेगा एंड मेरे बाल पूरे खराब हो चुके हैं, उनको मैं एक मिनट में ठीक करके आता हूँ। मैं रेडी तो हो चुका हूँ एकदम, देखो बाल वाल सेट हो चुके हैं। अब थोड़ी देर में गुरुपूरब आएगा, हमारा नगर कीर्तन निकलेगा, तो नीचे चलते हैं, नीचे गली के बाहर टेबल वगैरह तो लग चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सारा सामान यहाँ पे रख के ढक दिया है, अब बस थोड़ी देर में नगर कीर्तन आएगा फिर चलेंगे। एक स्टॉल यहाँ पे भी लगा है, एक वहाँ पे भी लगा है। अभी मैं और मेरा छोटा भाई निकले हैं देखने के लिए कि गुरुपूरब नगर कीर्तन कहाँ तक पहुँचा है, फिर उसके हिसाब से करेंगे। अभी हम स्कूटी में निकले हैं तो देखते हैं। सो गाइस अभी तो टाइम लगेगा नगर कीर्तन आने में, मेरे को भूख लग रही थी तो मैं तो ऊपर आ गया, एंड वैसे यार देखा जाए तो इतना इस बार क्राउड भी नहीं है, मैं अभी देख के आया था तो पिछली बार जो क्राउड था ना, मतलब पिछली बार भी नहीं हुआ था उससे पिछली बार जो 2019 में हुआ था जो नगर कीर्तन निकला था ना, मज़े आ जाएंगे, मतलब मज़े आ गए थे। अब उसकी मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप्स पड़ी है, पहले वो देखो मैं आगे डाल दूंगा। गाइस अभी वो वाली रोड पे आ चुका है, उधर से घूम के इधर से आएगा, ऐसे आएगा, अभी उधर आ चुका है।
ये बंद है। हाँ सब देखो, मैं फिर जाऊंगा। मंचे पूरा हो चुका है। यहाँ पे देखो सारा यहाँ पे खाली हो चुका है। हम दाल रोटी खा रहे हैं। अबे यार ये सही चीज है, 10 फ्रूटी देके आओ, 10 साइड में उठा के ले आओ। भाई सब मेरा कीर्तन खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखो पूरा क्राउड खत्म हो गया है, तो ये ब्लॉग को एंड करते हैं। तो यार अब एंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो है ना, मतलब कोरोना की वजह से ना सिर्फ 2 से 3 घंटे का श्रीनगर कीर्तन निकला है। और वैसे अगर जो लास्ट ईयर हुआ था ना, मतलब दोपहर को 12 बजे स्टार्ट होता था और रात को 1-2 बजे तक चलता था, उसके अंदर बड़े सही मज़े आते थे यार। जो मतलब जो मैंने अपने पीछे क्लिप्स देखने और रात को 11-12 बजे की है, उसमें बड़े मज़े आते थे। बस कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भूल रहे हो? ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब।